कार्डिमम 1 टेबलस्पून एंड बेकिंग सोडा 1 पिंच फूड कलर रेड और येलो कोई भी ले सकते हो साथ में सुगर एंड देसी घी फ्राई करने के लिए वाटर 1 ग्लास और साथ में पॉलिथिन जो जिपलॉक वाली या फिर आपके पास कोई भी हो मिल्क का पॉलिथिन हो घर में हो तो आप उसको साइड में मेहंदी कोन के जैसे आप उसको कट करके इसमें डालकर आप इजली बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बहुत ही बढ़िया कुरकुरी जलेबी बनेगी घर में। उसके लिए लिया है मैंने एक पैन चाशनी बनाने के लिए, उसमें डाल दिया 1 वाटर, 1 कप शुगर है 200 ग्राम, ऑन कर लिया फ्लेम। अब बनाएंगे इसका बैटर जलेबी बनाने के लिए। ये मैदा मैंने डाल दिया है, एक बॉल ले लिया, उसमें मैदा डाल दिया है एंड कर्ड डालेंगे। मिक्सर की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें लंग्स ना रह जाए। अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे वाटर, बहुत पतला बैटर नहीं करना है हमें, ये तो जलेबी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। अब अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डालेंगे, ये देखिए। अब डालेंगे बेकिंग सोडा 1 पिंच, फिर से इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। जितना ही अच्छे से आप फेटेंगे उतनी अच्छी जलेबी बनेगी कुरकुरी। कोई भी लंग्स ना रह जाए। ये ले लिया है फूड कलर, मेरे पास ऑरेंज कलर है, आप चाहे तो रेड या येलो भी ले सकते हैं 1 पिंच। फिर से इसको मिक्स करेंगे, कलर सारा इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए ऑरेंज कलर आ गया मेरा। अच्छे से हमारा बैटर रेडी हो गया है, ये देखिए एक भी लंग्स नहीं है। तो चलिए फटाफट हम जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये मेरी चाशनी रेडी हो गई है। चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी ना, उसके लिए हम हाफ लेमन का जूस डाल देंगे इसमें ताकि बहुत वो गाढ़ी ना हो और चिपके ना। डाल दिया मैंने, अभी चिपकेगी नहीं। चास और इधर ले लिया है पैन, इसमें डालेंगे देसी घी, आप चाहे तो ऑयल ले सकते हो फ्राई करने के अकॉर्डिंग, जिसमें कि जलेबी बन जाए।
अब एक ग्लास लिया है मैंने, आप चाहे तो कोई भी ऐसे लंबा ग्लास या कुछ भी ले सकते हैं, कोई बर्तन, एंड इसमें डालेंगे ज़िपलॉक वाली बैग, एंड बैटर को निकालकर इसमें डालेंगे स्पून से, जैसे आपको इजी लगता है। इससे हमारा बैटर इधर उधर चाय गिरेगा भी नहीं और बढ़िया से बैटर अंदर चला जाएगा। आराम से इसके अंदर आ गया। अच्छे सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे टोस्ट करेंगे एक रबर बैंड की हेल्प से, और साइड में जिसका कॉर्नर नीचे होगा, जैसे आप मेहंदी की बनाते हो सेम उसी प्रोसेस में इसको ले लेना है टाइट, एंड रबर बैंड लगा देना है। ये देखिए मेहंदी कोन के जैसे रेडी हो गया है। अच्छे से इसे टाइट कर देंगे। ये बाहर ना आए, राइट हो गया। अब सीजर की हेल्प से छोटा सा कट लगाएंगे, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। अभी देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, ऑयल हो गया गरम। अब स्टार्ट करते हैं गोल गोल जलेबियाँ। फर्स्ट टाइम शायद थोड़ी सी गड़बड़ बनी या फिर अच्छी बन सकती है। ये देखिए कितनी बढ़िया जलेबी बन रही, कुरकुरी, रियली आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत अच्छी जलेबी बनी है। तो आप जरूर से ट्राई करें। तो जितनी आ जाए ऑयल में आप उतनी ही डालिए, बहुत ज्यादा ना डालिए, नहीं तो आपकी जलेबी खराब हो जाएंगी। फ्लेम को मीडियम एंड हाई के बीच में रखना है। ये देखिए मैंने फ्लेम को मीडियम एंड हाई के बीच में रख दिया। इसको टच नहीं करेंगे थोड़ी देर में। मैंने लिया है रोटी सेकने वाला वो, तो आप उससे चला ले सकते हैं, लेकिन ये बेटर है, इससे करेंगे बहुत अच्छे से अपोजिट कर सकते हैं जलेबी को पलट के। टाइट हो गई, ये देखिए मेरी लूज है, इसे चेक भी करते रहना चाहिए बीच बीच में। टाइट होगी तभी आप उसको बैक साइड में पलट दे रहे। बेटा जलेबी निकाल ले, तुम्हारे लिए जलेबी निकाल ले। हल्का सा साइड साइड से इसे निकालना है। कितनी बढ़िया कलर आया है जलेबी का, जलेबी का नाम सुनते ही पानी आ जाता है। ये देखिए टाइट हो गई मेरी जलेबी। अब बहुत हाई नहीं करना, बहुत मीडियम भी नहीं करना है, ऐसे ही इधर उधर पलट के जलेबी पकाना। देखा होगा आपने हलवाई ऐसे ही सेम प्रोसेस में। एक लिया है मैंने टॉयल पेपर, इसमें निकाल लिया है ताकि जितना ऑयल है उसमें आ जाए। पीस से थोड़ा सा मेरी इसमें रहेगी। चलिए नेक्स्ट डालती हूँ। बहुत ही बढ़िया जलेबी निकली मेरी। अब फिर से अगेन, अब थोड़ा सा मैंने इसको मोटा कर दिया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग मोटा कर सकते हैं। केयरफुली करेंगे, बहुत मजा आता है जलेबी बनाते हुए, इतनी इंस्टेंट बढ़िया जलेबी। ये देखिए कलर भी बहुत ब्यूटीफुल आया इसका। तो जिसके इसके मुंह में पानी आ रहा जलेबी बना सुन के, जरूर ट्राई करे, रियली बिलीव करिए मेरा, बहुत अच्छी बनेगी जलेबी। ये देखिए मेरी जलेबियां ऊपर आ गई हैं, अब इनको भी सेम वैसे ही निकाल लूंगी। अब थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही रखेंगे। सारा ऑयल इसमें आ जाएगा टॉवल पेपर में। ना कोई झंझट ना कोई प्रॉब्लम, फटाफट बनाइए जलेबी। ये देखिए मेरी चाशनी रेडी। तो आप इसको इसे निकाल कर स्पून से टच करके देख लीजिए,
इसका एक तार जैसा बनता है, टच होने लगे उंगली में, तो आप समझ जाइए मेरी चाशनी रेडी है। तो ये देखिए मैं टच करके देख लिया है, इसमें डाल दूंगी कर्डिमम पाउडर 1 टीस्पून, इसको मिक्स कर लूंगी, अच्छी स्मेल आएगी इसमें। बॉयल हो गई, अब मैंने फ्लेम कर दिया है बंद। अब धीरे धीरे डालेंगे इसमें, जितनी जलेबी आप पाएंगे उतनी ही डालना है इसमें, ज्यादा जलेबी नहीं डालना है। इसमें इतनी अच्छे से इसमें चाशनी में डाल देना और इनको डिप कर देना है, ताकि सारा चाशनी का जो फ्लेवर है जलेबियों में आ जाए और हमारी कुरकुरी मीठी जलेबी रेडी हो जाए। ये देखिए रेडी हो गई है, मीठी हो गई है जलेबी हमारी, बन गई कुरकुरी जलेबी। अब मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। और ये निकालने के बाद और भी कुरकुरी होगी, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना पड़ेगा, मैंने छोड़ दिया था। अब देखिए निकाल लिया है जलेबी मैंने, तो आ जाइए फिर से मैंने जलेबी डाल दी है चाशनी में सेकेंड टाइम, गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी हो गई है रेडी। केली जलेबी का नाम सुन के तो सबको पानी आता है, मुंह में बहुत अच्छी लगती जलेबी। ये देखिए मेरी जलेबी हो गई रेडी, जल्दी जल्दी आप सब आ जाइए खाने के लिए अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ये देखिए कुरकुरी है, कितनी बढ़िया कुरकुरी जलेबी, वाओ यम्मी। तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कुछ लेकर आऊंगी मैं, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।